बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम गुलाम अब्बास, हैंड राइटिंग ट्रेनर। देखें जी, आपके सामने मैं सिर्फ 3 अल्फाज लेके आया हूँ। अगर आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो 3000 से भी ज़्यादा अल्फाज आप ठीक कर लेंगे। देखें, पहला जो लफ्ज़ है वो है तफसीली। यहाँ पे देखें, ये यहाँ से आपने ये ऐसे बनाना है, ये यहाँ से आप आएंगे और ऐसे मुड़ के आपने ये फे, जब आप अलहदा में सिंगल फे लिखते हैं तो ऐसे भरा हुआ होता है, ये देखें ये ऐसे। लेकिन जब आप किसी लफ्ज़ के साथ लिखते हैं तो फिर ये शक्ल होती है, ये देखें ये ऐसे। ठीक है, ये ऐसे बनाना है आपने। अब देखें, ये थोड़ा सा आगे करके यहाँ पे आप स्वाद और यहाँ पे एक तंदाना, और अब देखें ये चीज़ क्या बनाई है मैंने, ये वही बे की छोटी शक्ल, जो बार बार आपको मैं बताता हूँ अपनी वीडियोस में कि ये बे की छोटी शक्ल है। अब यहाँ से आपने आके और ये है तफसीली। ठीक है, अब इसको दोबारा देखिए, मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे आप भूल जाते हैं आके, यहाँ पे एक दंदाना आप छोड़ देते हैं, वो आप नहीं बनाते, तो दंदाना आपने बनाना है ये वाला दंदाना, ये का दंदाना। अक्सर लोग इसे भूल जाते हैं और इसको बनाते नहीं हैं। अब देखें इसमें कितने हर्फ हैं, ये ते की आ गई शक्ल और ये फे, थोड़ा सा आगे करके आपने स्वाद बनाना है ये। अब आप क्या करते हैं, आप स्वाद को बिल्कुल इसके साथ जोड़ देते हैं, और ये चीज़ ये, और ये बे अलिफ बा, और ये लाम छोटी है ली, तफसीली। देखें दूसरा जो लफ्ज़ है वो बहुत अहम है, कोस्तुनतुनिया लिख रहा हूँ, ये देखें ये यहाँ तक ये बन गया किस्त, जैसे आप सेपरेट लिखते हैं किस्त। अब देखें ये सीन के छोटे दंदाने और ये टोए, और यहाँ पे एक दंदाना, फिर आगे पड़ी रे की शक्ल और ये कोस्तुनतुनिया। ये देखें ये ऐसे आएगा तिरछा, इसको तिरछा लिखा जाता है। दोबारा देखिएगा, ये देखें ये काफ, यहाँ से आपने ऐसे मुड़ना है, ऐसे आप इधर से डायरेक्ट आ जाते हैं ऐसे, ये काफ और छोटे छोटे दंदाने और ये तोए जो आपने बार बार सीखा है, और यहाँ पे एक दंदाना और फिर तोए और ये चीज़ आपको मैंने बार बार बताई है, ये की शक्ल कोस्तुनतुनिया। ये देखें ये तिरछा आएगा ऐसे, कोशिश कीजिएगा। ये जो जोड़ हैं ये बारीक बने तो ज़्यादा बेहतर हैं। कौन से जोड़ों की बात कर रहा हूँ मैं, जैसे ये देखिए ये काफ है ना, ये जो जोड़ हैं ये बारीक बने, ये तोए, आप देखें ये जो आगे मैं तोए से मिलाऊंगा ये बारीक होने चाहिए ताकि नफासत पैदा हो। उसके बाद है लफ्ज़ समझ, समझना या समझे। ये देखें ये सीन, ये मीम और ये है जे, भारी हल हर्फ है ये समझ। ये देखिए ये सीन के दंदाने, अब देखिए सीन के दंदानों में आप प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ये मैंने लिखा है सर, ये देखें एक दो ये तीन दंदाने, ये जो उभरा हुआ है ये भी दंदाना है, ये जो उभरा हुआ ऐसा ये दंदा, अब देखिए सीन के दंदाने, ये एक दो तीन दंदाने हैं, ये सीन, ये आ गया मीम, फिर आगे छोटा सा जोड़ और यहाँ पे ये झे बनाएंगे समझ।
अब ये जो मैंने बनाया ना, ये दो चश्मी है, ये एक सेब का बीज, फिर इसके साथ एक और सेब का बीज। ये देखें, ये एक सेब का बीज बनाया, फिर थोड़ा सा आगे करके एक और सेब का बीज, या फिर ऐसे समझ लें ये सेब का बीज, फिर वापस आना है, वी की शक्ल बनानी है, जैसे इंग्लिश में वी होता है। पहले दो चश्मी हे की प्रैक्टिस आपको करनी होगी। ये देखिए, ये अब ये देखिए, ये है समझने, समझो। आप बहुत सारे अल्फाज बना सकते हैं, समझें। जितने लफ्ज़ आप बनाएंगे आसानी से बनते चले जाएंगे। ये देखें, समझें, ये चीज़ लगाई है, अब है लफ्ज़ हकीकत, ये ऐसे, फिर वही चीज़ जो तफसीली में मैंने किया था, काफ में भी ऐसे। ये देखें, ये हकीकत, अब है हकीकतें। ये देखिए, ये अब ये चीज़ आपने बनानी है तें। ये देखें, ये अलहदा अगर मैं इसको करूं, हकीकतें, ये देखिए हकीकतें, ये जो लफ्ज़ है ना, ये मैं अलहदा लिख रहा हूं तें। ये देखें, ये लफ्ज़ मैंने लिखा है तें, ये छोटा बे, और यहाँ से आप ऐसे करेंगे तो ये तें बनेगा। आप देखें, ये हे बन गया, और इसके साथ ये काफ, और ये दंदाना, फिर काफ, और ये आप बनाएंगे तें। अब ये वाले लफ्ज़ सारे आसान हो जाएंगे आपके लिए, मुशक्कतें, हकीकतें,